पुलिस ने गुप्त सूचना पर भेड़ो थाना क्षेत्र के जरिया सिंगवा टोली के रहने वाले मनोज उरांव को हथियार के साथ पकड़ा है। अपराधी मनोज उरांव के पास से देसी लोडेड कट्टा, 6700 नगद, मोबाइल और लूट में प्रयुक्त कार भी जब्त किया गया। जानकारी देते हुए ग्रामीण एसपी नौसाद आलम ने बताया कि मनोज उरांव पूर्व में दुष्कर्म, चोरी समेत लूटकांड में जेल जा चुका है। रविवार को वरीय पुलिस अधीक्षक को गुप्त सूचना मिली कि बेड़ो और केशा मोड़ के बीच रास्ते में कार में सवार व्यक्ति हथियार के साथ लूटपाट की योजना बना रहा है। इसी आधार पर बेड़ो डीएसपी रजत मणि बाखला के नेतृत्व में बेड़ो मंडप और केशा मोड़ के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया। पुलिस ने बेड़ो कॉलेज गेट के समीप कार को रोककर तलाशी ली और युवक के कमर से हथियार बरामद किया। वहीं युवक मनोज उरांव के पास से हथियार बरामद होने के साथ ही बेड़ो पुलिस ने मनोज उरांव को हथियार के साथ पकड़कर बेड़ो थाना ले आया। पुलिस ने कार को भी जब्त कर थाना ले गई। अपराधी मनोज उरांव के पास से एक देसी लोडेड कट्टा, 6700 नगद, रेडमी कंपनी का मोबाइल और लूट में प्रयोग किया गया फोर्ड कार को भी जब्त किया गया। छापेमारी दल में डीएसपी रजत मणि बाखला, थाना प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता, सब इंस्पेक्टर अमर कुमार राम, शिवनाथ रंजन, एसआई जितेंद्र कुमार यादव, राजेंद्र प्रसाद यादव, संतोष लकड़ा, रतिराम उरांव, संतोष कुमार और भानु प्रसाद रजक शामिल थे। जैसे टीम पहुंची है तो भागने की कोशिश किया लोगों ने, लेकिन ट्रक ड्राइवर के सहयोग से और अपना जो बल था उनके मदद से मनोज उरांव करके अपराधकर्मी को ऑन स्पॉट पकड़ा गया। और जब सर्च किया गया तो उनके पास से एक देसी कट्टा मिला, मोबाइल फोन, टीवी और नगद राशि 7600 रुपया बरामद हुआ। फोर्ड गाड़ी भी उनके पास थी, वो भी जब्त किया गया है जिसके पास। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।